फोटोज तो बहुत दिनों से तैयार है। जी हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी। घंटी अजीब है, घर में नहीं है। पता नहीं बिजली कैसे चली गई। अरे तुम्हारी आंटी तो क्या, तुम्हारी आंटी की आंटी भी हमको अलग नहीं कर सकती। हेलो, ये 53370 है। हाँ आप? मैं शीला बोल रही हूँ। राजेश कहाँ है? मैं अभी उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। आप कौन है? मैं उनकी दोस्त हूँ। मुझे राजेश के ऑफिस से पता चला कि वो आजकल यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आप कौन हैं? आप तो वाकई लाजवाब हैं किरण जी, आपका हमारा साथ तो हमेशा रहेगा ना। हाँ हाँ, वो मुझे पता चला किरण जी। मिस्टर चोपड़ा, वो क्या कि मेरा पेमेंट? किरण जी, इसमें शर्माने की क्या बात है, मैं 5000 कैश भिजवा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा किरण जी, बाय बाय। अरे राशि, तुम यहाँ क्यों आ गई? क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए था? नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे फोन कर देती, मैं खुद आ जाता। वो क्या क्या अपने दफ्तर में मैं किसी से बिजनेस के अलावा मिलता ही नहीं। ये दफ्तर वाले भी मेरी टेबल पे न जाने क्या क्या रख देते हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, बिल्लू, हेलो हेलो राशि, राशि मेरी बात तो सुनो। हेलो राशि, राशि बात क्यों नहीं करती? राशि जवाब तो दो। हेलो राशि, हाय राम,
कैसा जमाना आ गया है, कैसे बेशर्म लोग हैं। मुझे तो इसे बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। क्या हो गया आंटी? ये देख कैसी बेशर्म तस्वीर खिंचवाई है इसने। राजेश मिस्टर चुपड़ा है, आपका बेटा है। हाँ, ये राजेश ही तो मेरा बिल्लू है। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, गाँव चली जाऊंगी, आज ही, अभी। नहीं नहीं, आप बजिए आंटी, हम लोग चले जाते हैं। क्या, तू क्यों जाएगी अपना घर छोड़ के? ये घर आपका है आंटी, हमारा नहीं। हमने आपको धोखे में रखा, मुझे नहीं मालूम था कि राजेश आप ही का बेटा। अरे 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 बेटी, चोपड़ा साहब, रो मत बेटी, रो मत, मैं जो तेरे साथ हूँ, हम दोनों मिलके इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर तक नहीं भूलेगा। ऐसी नीच हरकत, तेरे साथ ऐसा नाटक, मैं इसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि वो हमेशा याद रखेगा। हेलो भाई, वाह वाह वाह, क्या बना है फ्लैट, क्या डेकोर है, क्या रंग है, क्या कलर स्कीम है, बिल्कुल मैचिंग। वाह वाह वाह, इधर देखो, यहाँ देखो, मिस्टर चोपड़ा का तो लेक्चर। चोपड़ा साहब, चोपड़ा साहब शीला के साथ। तो इसका मतलब है कि चोपड़ा साहब बहुत अच्छे तैराक होंगे, स्विमर है ना? तैराक? हाँ, मेरा बिल्लू तैरता तो बहुत अच्छा है। आप? ये चोपड़ा साहब की माँ है। नमस्ते। तो आपका लड़का बिल्कुल चैंपियन स्विमर होगा, तैराक, क्योंकि शीला को चैंपियन स्विमर के साथ फोटोग्राफ खिंचवाने का बहुत शौक है। अच्छा? मेरे साथ भी खिंचवाइए। क्योंकि मैं भी चैंपियन स्विमर हूँ। आज सुबह ही मुझे फोटोग्राफ दे गई थी। यू नो माय डियर राशि, ये शीला है ना जो, इसमें एक कमजोरी है, जैसे मुझमें केक खाने की कमजोरी है, शी इज मैड। जहां भी कोई इसे चैंपियन स्विमर मिल जाता है, बस धड़ाम से फोटोग्राफ खिंचवा लेती है। शी गो माइल्स, कहीं भी चली जाएगी, चैंपियन स्विमर मिला हो, फोटोग्राफ। राजेश, राजेश, अरे राजेश कहाँ है? ओह हेलो मिस्टर कपूर। शीला, लॉन्ग लाइफ, टॉक ऑफ द डेविल, यानी तुम्हें लंबी उम्र, यहाँ पे कैसे आना हुआ? राजेश से, यू नो, मुझे मीर सिंह का एड्रेस लेना था। मीर सिंह? हाँ, इंडिया नंबर वन स्विमर। उनके साथ फोटो खिंचवानी है, बहुत जरूरी है। देखो, एड्रेस वेड्रेस की कोई जरूरत नहीं है। क्या? मीर सिंह तो मेरा लंगोटिया दोस्त है। हाँ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा वहां पे, लेकिन पहले इनसे मिलो। राशि, शीला। वाकई बहुत खूबसूरत हैं आप, जैसा राजेश का कहना है। राजेश हर टाइम आपका जिक्र करते रहते हैं, हर वक्त तारीफ करते रहते हैं आपकी, और आप हैं भी तारीफ के काबिल। वैसे आपके टाइमिंग्स क्या है? टाइमिंग्स? इनका मतलब है कि 200 मीटर, 400 मीटर स्विमिंग कंपटीशन में कोई आपने प्राइज जीते होंगे, रिकॉर्ड तोड़े होंगे, ताकि ये आपके साथ फोटोग्राफ खिंचवा सके। लेकिन मुझे तो तैरना ही नहीं आता। क्या, स्विमिंग नहीं आती? नहीं आता तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। केक खाइए, केक, केक आप खाएंगे? नहीं तो आप खाइए। थैंक यू। नहीं तो आप खाइए। चोपड़ा साहब को बाद में मिलेंगे, पहले मैं इनको मीर सेंस से मिलवाता हूँ। मेरा लंगोटिया है ना। चलिए। अच्छा, चलिए। माँ, कैसी हो तुम? माँ राशि, तू यहाँ क्यों आया? तू तो यहाँ नहीं रहता है ना, ये घर तेरा तो नहीं है। हाँ नहीं, मेरा मतलब है पहले तो मैं यहाँ, फिर वो ये सब हो गया ना, वो तो मैं वहाँ, अब तुम आ गई हो ना माँ, तो यहाँ। ये क्या यहाँ वहाँ लगा रखा है? नहीं माँ, मैं तो। आंटी, मैंने अपना सामान पैक कर लिया है, अब चलना चाहिए। ठीक है, मैं भी अपना सामान तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, तब तक मैं नीचे इंतजार करती हूँ। ऐसे घर में जहाँ ये है, एक पल भी रहना मुश्किल है। अरे अरे माँ, माँ मेरी बात, राशि।
राशि, राशि ये बैग क्यों पैक कर रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? कहीं भी, इतनी बड़ी दुनिया में इस घर के अलावा क्या और कोई जगह नहीं है? लेकिन मैंने किया क्या है? क्या किया तुमने? इतना बड़ा छल कपट करने के बाद पूछ रहे हो कि क्या किया है? छल कपट मैंने? हाँ, तुम इसे झूठ बोलते रहे, मुझे धोखा दिया, मेरे पैर का मजाक उड़ाया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ चुप रहा। तुम मुझे यहाँ लाकर मेरे फ्लैट को अपना फ्लैट बताती रही, तब भी मैं चुप रहा। मुझे क्या मालूम था कि ये तुम्हारा ही फ्लैट है? मैं अमीर नहीं हूँ, ये जानकर कहीं तुम इससे दूर ना हो जाओ, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला, क्योंकि मैं तुम्हें चाहने लगी थी। अरे तो मैं भी तो तुम्हें चाहने लगा था ना, इसीलिए तो मैं चुप रहा, तुम्हें टोका नहीं और तुम बोलती गई झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। लेकिन ये सब तो मैंने अपने प्यार के लिए किया, सही मौका मिलते ही मैं तुम्हें सब कुछ बता देने वाली थी। अरे तो मैंने भी तो सब कुछ प्यार के लिए किया ना, हम दोनों के प्यार के लिए, और सही मौका मिलने पर मैं भी सब कुछ बता देने वाला था। तो अब दोनों का हिसाब बराबर हो गया ना, तो अब मुस्कुरा दो जरा। अरे जरा ठीक से मुस्कुरा दो राशि। हाँ चल, मैं तैयार हो गई। लेकिन अरे यहाँ एक पल भी नहीं रहना है ना। हाँ। तो फिर चल उठा ले। हाँ चल, माँ जल्दी चल चल। माँ तुम नहीं जा सकती। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरा रास्ता छोड़। नहीं तो मैं अकेला क्या करूँगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। देखो माँ। आंटी जब ये इतना कह रहे हैं तो रुक जाते हैं ना। हाँ हाँ ठीक है, रुक जाते हैं, लेकिन तू यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है तो मैं जाता हूँ फिर वहाँ। हाँ लेकिन 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 कुछ नहीं, जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती ये वहाँ, और शादी के बाद यहाँ।